जो कि मैंडलियन इन्हेरिटेंस जो है, उनके लाज जो थे उनसे डिवेशन दिखाते हैं उसको पोस्ट इन्हेरिटेंस भी बोलते हैं या नॉन मैंडलियन इन्हेरिटेंस भी उनको बोलते हैं नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल Mendelian दैट which I इनहेरिटेंस just mentioned जस्ट मैं ये जो हम

अपने मन पसंद की मैटिंग्स नहीं करवा सकते जैसे प्लांट्स के अंदर आप सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन करवा करते हैं तो यहाँ पर वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं सो दैट इज़ वाई यहाँ पर एक क्रॉस करना ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत मुश्किल है द स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज मच मोर डिफिकल्ट दैन सिमिलर स्टडी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इस तरह हम ये भी देखते हैं कि अगर हम ह्यूमन बींगस के अंदर किसी चीज की स्टडी किसी करेक्टर की स्टडी कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है कि किन के प्लांट्स एंड दूसरे एनिमल इट इज पॉसिबल टू गेट कंसिडरबल इंफॉर्मेशन फ्राम एनालिस सो इसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स के बारे में हासिल करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का तरीका करते हैं यहाँ पेडिग्री का तरीका किसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस रिकॉर्ड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ ट्रेड इन सिवरल जनरेशन ऑफ ह्यूमन फैमिली एक ह्यूमन फैमिली के अंदर एक कौम के अंदर एक डायनास्टी के अंदर एक ट्रेड जो है एक मखसूस करेक्टर जो उनके अंदर है तो उसको हम एक रिकॉर्ड रखते हैं तो उस रिकॉर्ड से हम उसको स्टडी कर देते हैं यानी बहुत टाइम से हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फिर उन्हीं रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर हम ये बता सकते हैं कि ये करेक्टर जो है ये कैसे ट्रांसफर होता है इसके पीछे क्या वजुहत हैं। इसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं इस टाइप के एनालिसिस को पर्सन फ्रॉम होम केस हिस्ट्री प्रोबैंड आर प्रो पॉजिटिव देखिए यहाँ पर एक केस हिस्ट्री का मामला चलता है पेडिग्री एनालिसिस में और वो पर्सन जिसका जिसका हम केस हिस्ट्री बनाते हैं जिस जब हम कोई पेडिग ये पेडिग्री इसमें स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस तो जिस करेक्टर को हम लेते हैं जिस करेक्टर को हम एनालिसिस करते हैं और जिस शख्स से शुरू हम करते हैं उस शख्स को हम प्रोबैंड कहते हैं उसको प्रो इसको प्रोपोसिटिव भी बोलते हैं अगर ये प्रोबैन मेल है देन इट इज नोन एज प्रोपोसिटो प्रोपोसिटो उसको बोलते हैं अगर ये फीमेल है देन इट इज प्रोपोसिटा यानी ये जिस पर हमने पेडिग्री एनालिसिस शुरू की जिसे हमने एक ट्रेड को अब उसकी रिकॉर्डिंग उसकी क्या है ना कि इसकी हिस्ट्री बना रहे हैं अगर ये मेल को हम लेते हैं एज प्रोबैन देन इट इज अ प्रोपोसिटिव अगर ये फीमेल है प्रोपोसिटा प्रोपोसिटो मेल प्रोपोसिटा फीमेल नाउ जनरली जो मेंडलियन, पोस्ट डिस्कवरीज़ है या नॉन मेडलियन इनहेरिटेंस जो है ये असल में जीन इंटरेक्शन है जीन इंटरेक्शन जो है वो इसके लिए रिस्पांसिबल है सो so, आजकल जो हमारी स्टडी होती है वो अब जीन इंट्रैक्शन पर होती है तभी हमारी जेनेटिक जो है वो भी जीन इनेटिक जिस क्या बोलते हैं इसको जेनेटिक <coughs> इंजीनियरिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन द जीन इंट्रैक्शन सो जीन इंट्रैक्शन क्या है पीयर ऑफ जीन और एलील ऑफ पीयर आर रिलेटेड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव कंट्रोल ऑफ करेक्ट हम जानते हैं कि एक जीन्स की पीयर या अलील जो है ये हम कह सकते हैं कि किसी करेक्टर का डोमिनेंट और रसी होना जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं लेकिन इन सम केसेस मोर देन पेयर ऑफ जीन्स अलीलिक और नॉन अलीलिक दे मे इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ सेम कहीं पर हम देखते हैं या बहुत से केस में हमें यह नजर आता है

तकी कर रहे हैं जो करैक्टर हमारी नजर में है दैट इज द करैक्टर इन क्वेश्चन जो है उसको ये डिफरेंट वे से ये जीन प्योर या इलीली लिया नॉन इली प्योर डिफरेंट तरीके से उसके एक्सप्रेशन पर असर करते हैं कभी उसमें एडिंग करते हैं सबट्रैक्टिंग करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं ये कांसेप्ट जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैट्सन ये कांसेप्ट जो जीन इंटरेक्शन का कांसेप्ट था जिसमें ये बोला गया है कि किसी करेक्टर को ये कोई अलील या नॉन अलील पेयर ऑफ जीन जो है वो उस पर असर कर सकती है यानी जो जीन्स तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है वो दूसरे करेक्टर पर भी असर कर सकते हैं ये एक हाइपोथीसिस बैटसन ने दी है दैट्स कॉल्ड फैक्टर हाइपोथीसिस ये फैक्टर हाइपोथीसिस की बुनियाद पर बनी है और ये कंसेप्ट बैटसन ने दिया है अब टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन जनरली जीन इंटरेक्शन के दो बड़े टाइप्स होते हैं एक को बोलते हैं इंट्राजीनिक और नंबर इन्टर और दो टाइप की इंटरक्शन है फर्स्ट इज इंट्राजीनिक सेकंड इज इंटरजीनिक इनको इंटरअलीलिक या नॉन एलीलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरजीनिकोकेट दूल इंटर फैशन टू प्रोड्यूसोटाइप एक्सप्रेशन अदर फ्राम नॉर्मल डोमिनट रेसिस यहाँ पर क्या होता है हम जब क्रॉस करते थे मेडलियन क्रॉस किए वहां पर हम जानते हैं कि वहां पर दो दो फिनोटाइप है या डोमिनेंट है या रेसिसिव है सो so, यहाँ पर जो ये दो, जो दो अलील जो है एक करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये दो अलील जो है ये एक क्रोमोजोम जो ऊपर होमोलागस क्रोमोजोम के ऊपर उनकी पोजीशन एक ही है एक सेम लोकेशन सेम पोजिशन पर सोम सेम प्लेस पर वह है और यहाँ पर जो इन जीन इंट्रेक्शन होती है वो इस टाइप की होती है कि फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मल डोमिनेंट रसी से अलग है यानी जब हम क्रॉस जानते कि एक जब हम करते हैं डोमिनेंट डोमिनट रसी हमारे पास आएंगे लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने कुछ क्रासेस किए तो यहाँ पर नॉर्मल डोमिनट रसीप के बगैर कुछ और ही एक्सप्रेशन आ गई जो कि एक्सपेक्टेड या नॉर्मल एक्सप्रेशन से अलग थी या अलग होती है और वो क्या होती है किस टाइप की एक्सप्रेशन होती है किस टाइप की क्या कहेंगे हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं या तो पोस्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है या कोविड होती है या मल्टीपल एलियल होते हैं दीज आर दिवरल टाइप्स ऑफ द इंटरजीनिक और इंटर एलिलिक

दो जी लगे हैं या पर या तो एक ही के दो जीन्स वो इंडिपेंडेंट जीन एक दूसरे के साथ इंटरक्शन कर देते हैं और करेक्टर को मॉडिफाई करते हैं या करेक्टर को नॉर्मल से हटके एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ ये क्रोमोजोम ये जीन्स जो है ये डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर है डिफरेंट प्लेस पे है लेकिन वहां से एक दूसरे की को ये इंटरैक्ट करते हैं और किसी करेक्टर को एक नई एक्सप्रेशन देते हैं इसको बोलते हैं इंटरजीनिक नॉन एलील ये है ये एलील नहीं है उस करेक्टर के ये उसे हट के जीन्स है जो एक जगह का दूसरी जगह के जीन पर अपना इंटरक्ट करते अपना करेक्टर दिखाता है इसके जो टाइप्स है दैट्स एपिस्टेसिस कंप्लीमेंट्री जीन्स सप्लीमेंट्री जीन्स डुप्लीकेट जीन्स इनहिबिटरी जीन्स एंड देन पॉलीमेरिक जीन्स कुछ एग्जांपल जो है इंटरजीन के दिस इंटरेक्शन के एपिस्टेसिस कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री डुप्लीकेट इनहिबिटरी एंड पॉलीमेरिक जीन्स ये इसके एग्जांपल्स है नाउ फर्स्ट हम इनकलीट डोमिनेंस को देखते हैं ये इनकम्पलीट डोमिन जो है इट इज आल्सो नोन एज द पार्शियल और सेमी और इंटरमीडिएट डोमिनेंस ये द वर्ड इज इनकम्प्लीट यानी पूरी तरह करेक्टर डोमिनेंट है लेकिन अपनी डोमिनेंस को नहीं दिखा पाता है ये पार्शल डोमिनेंस दिखाता है ही ये सेमी डोमिनेंस दिखाता है ये इंटरमीडिएट डोमिनेंस दिखाता है इस ये interaction जो पर पर होती है है आना चाहिए वो dominant नहीं आता है। और लगता है कि जो है ना वो dominant को निकलने ही नहीं देता इन मैंडियन इनहेरिटेंस प्लांट रिजम्बल ओनली हम जानते हैं कि जब हम मैंडियन इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं वहाँ जो F1 वन हमारे पास होते हैं F1 वन जनरेशन वो अक्सर वो किस पेरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो डोमिनेंट होता है, जैसे हमने टॉल और दीवार को क्रॉस किया तो हमारे पास टॉल F1 वन जनरेशन में टॉल प्लांट्स आते हैं टॉल डोमिनेंट सो डोमिनेंट पेरेंट यहाँ पर अपने करेक्टर को दिखाता है ये इनहेरिटेंस है

फॉर एग्जाम्पल न ये न लंबा है न ये छोटा है, न टाल है, न न टाल दीवार डीवारो करेक्टर बिल्कुल दोनों के बीच का आता है दिस फिन वॉज टर्म एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब यहाँ पर कम्पलीटली डोमिनेंट हमारे सामने नहीं आया है सो इट इसट डोमिनेंस एग्जाम्पल रेड एंड व्हाइट आर कॉमन फ्लावर्स इन जापानीज फोर ओ क्लॉक अगर हम जिसको जलापा बोलते हैं अगर हम देखेंगे उसमें, तो इसके जो है, दो कॉमन फ्लावर है इसमें रेड और वाइट रेड और वाइट ईच कलर ब्रीड्स ट्रू व्हेन क्रॉस पोलिनेटेड जब हमने इसको क्रॉस किया है तो दोनों कलर जो है ना वो एकदम सामने आ गए आना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल रेड जो है वो डोमिनेंट है वाइट जो है वो रेसिस है यानी आना चाहिए था रेड को वो डोमिनेंट था लेकिन जब क्रॉस किया तो हमें दोनों करेक्टर दोनों जो कलर थे वो हमारे सामने आ गए इट्स लाइक दैट यहां पे आप देखिए कि दिस इज द प्योर रेड ये पेरेंट था उसको हमने प्योर वाइट ये रेड फ्लावर वाला प्लांट था वाइट फ्लावर वाला प्लांट है रेड को हमने मेल फ्लावर प्लांट लिया है जबकि वाइट को फीमेल फ्लावर लिया है जब हम इन दोनों का हमने क्रास किया है, तो हमें F1 में पिंक मिले हैं। मिलने चाहे थे रेड लेकिन हमें रेड नहीं मिला बल्कि यहाँ पर पिंक हुआ दैट मीनस इट इज वी कैन से रेडिश वो रेड जिसके साथ वाइट भी है दैट मीनस कि दोनों रेड क्योंकि डोमिनेंट था लेकिन डोमिनेंट के साथ साथ रिसेसिव कैरेक्टर जो है ना दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है और जब हमने एफ टू जनरेशन में देखा तो यहाँ पर एक प्योर रेड है एक प्योर वाइट था और दो पिंक थे दो पिंक थे यानी ये दोनों करेक्टर ये दोनों करेक्टर जो हमारे पास है दैट इज द रेड एंड द वाइट इन दोनों ने अपने आप को जाहिर किया है यानी इंटरमीडिएट आ गया दोनों के दरमियान का आ गया हमें रेड आना चाहिए था लेकिन रेड नहीं आया ये पिंक यानी वाइट ने भी अपने आप को जाहिर किया है इससे क्या पता हमें चला? वाइट फ्लावर कलर वाइट फ्लावर कलर जो है इफेक्ट ऑफ इट रेड हमने देखा कि असल में जो ये दीवार पर है जो ऋषि ऋषि कैरेक्टर सॉरी जो है यहाँ पर वो था हमारे पास व्हाइट उस व्हाइट कलर ने रेड कलर को जो कि डोमिनेंट था उसको अपनी डोमिनेंस नहीं दिखानी दी बल्कि वो इसके साथ मिल गया है और वो प्योरली रेड नहीं आया बल्कि वो पिंक आया यानी उसने अपने आप को भी एक्सप्रेस किया रेड भी एक्सप्रेस हुआ एक, रेड की भी एक्सप्रेशन मिल गई और इसके साथ साथ व्हाइट की भी एक्सप्रेशन मिली सो दैट्स वाई हियर वी कैन सी It is an incomplete, partial or semi-dominance. This is a puri dominance Dread has completely shown So, this was about the incomplete dominance. And in the other lecture, we will discuss the other possibilities of the gene interaction. Thanks.